एफआईआर दर्ज होने के बाद मुलजिम या उसका परिवार अगर एफआईआर की कॉपी निकलवाना चाहता है तो वो कैसे प्राप्त कर सकता है कॉपी? वो नहीं चाहता कि पुलिस के पास जाए, पुलिस से कॉपी ले, क्योंकि पुलिस के पास प्रोविज़न भी नहीं है कि आपको कॉपी दे। तो मुलजिम कभी भी पुलिस से तो कोई कॉपी ले नहीं सकता। हाँ, जो कंप्लेनेंट है उसके लिए प्रोविज़न है कि भाई 154 सीआरपीसी का सब सेक्शन 2 में ये प्रोविज़न है कि जैसे ही एफआईआर कट गई है तुरंत उस कंप्लेनेंट को एफआईआर की प्रति दे दी जाए। आप कंप्लेनेंट को तो कॉपी दे सकते हैं लेकिन मुलजिम को कोई कॉपी नहीं मिलती है। अब बात आती है 157 सीआरपीसी में ये प्रोविज़न है कि जब भी कोई एफआईआर दर्ज होगी तो तुरंत संबंधित न्यायालय को सूचित किया जाएगा। अब ये सूचित कैसे किया जाएगा, ये पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है दोस्तों। पुलिस संबंधित न्यायालय को उस एफआईआर की प्रति भेजेगी, वहाँ पर जाएगी संबंधित न्यायालय में एफआईआर की कॉपी। अब यहाँ से आपकी होती शुरू एफआईआर की प्रति निकलवाने की प्रक्रिया। या तो आप वकील से मिले जाकर के, या आप मुंशी से मिले। आपको जाकर के बताना है कि भाई किसी व्यक्ति ने आपके, जिस व्यक्ति के ऊपर एफआईआर दर्ज कराई है उसका नाम, किसने कराई है उसका नाम, और किस किस के नाम हो सकते हैं उस एफआईआर में, उनके भी नाम आप बता सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर आपको संभावना है, शक है कि यार इन इनके नाम भी हो सकते हैं, ए बी सी डी, आपको बताना है कि भाई कितनी कितनी तारीख के आसपास की घटना है, क्योंकि आपको तारीख तो पता नहीं होगी कि भाई कितनी तारीख के आसपास कराई गई है एफआईआर दर्ज। अनुमानित बता दें कि यार 10 दिन हो गए, 10 दिन के अंदर अंदर एफआईआर दर्ज कराई गई है, तो वो जाएगा संबंधित कोर्ट के अंदर, जो भी आप मजिस्ट्रेट उससे कह रहे हैं आप, या तो वकील से या फिर जो मुंशी उससे, वो जाकर के पता कर लेगा। उसकी एफआईआर नंबर अगर आपको पता है तो वो इजीली निकलवा लेगा। अगर एफआईआर नंबर आप जानते हैं तो बता दें मुंशी को जाकर के, सर एफआईआर नंबर ये है और ये थाना है, तो वो तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म लेकर के उसमें आवेदन कर देगा। फॉर्म में भर करके भाई ये फला नंबर है, ये थाना है, इस कोर्ट के अंदर आवेदन कर दिया तुरंत। आपको अर्जेंट नेचर की चाहिए तो अर्जेंट लिखने जाए उसके अंदर, अगर साधारण तरीके से है तो साधारण तरीके से मिल जाएगी। अर्जेंट का फायदा ये है कि आपको 2 से 3 दिन में 100% मिल जाएगी आपको नकल एफआईआर की कॉपी, वो भी सर्टिफाइड। सर्टिफाइड क्या होती है, देखो उस पर मजिस्ट्रेट की तो साइन होते हैं और न्यायालय की मोहर होती है, तो वो सर्टिफाइड होती है। ऐसी कॉपी को आप हाई कोर्ट तक ले जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक ले जा सकते हैं, बिल्कुल प्रमाणित प्रति है वो। अब आती है बात कि साधारण प्रकृति के अंदर 7 दिन भी लग जाते हैं, 10 दिन भी लग सकते हैं। अगर आप आरटीआई से निकलवाएंगे तो 1 महीना लग जाएगा उसके अंदर। तो सबसे बेहतर है मुंशी से संपर्क करें, वकील को तो हायर करना है, वकील से आप संपर्क कर सकते हैं, 300, 200, 500 जो भी बोले उससे आप अर्जेंट में निकलवा सकते हैं ऐसी एफआईआर की कॉपी। आपको किसी पुलिस के पास जाने की जरूरत नहीं किसी भी एफआईआर की कॉपी को निकलवाने के लिए। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, थोड़ी सी अब बेसिक जानकारी आपको रखना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना, शेयर करके दूसरे लोगों तक जरूर पहुंचाना। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।